वेलकम बैक टू जागो लाहौर जनाब, आज हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं। पाकिस्तान में चूंकि मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं काफ़ी तरक्की हो रही है, बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया गया है पाकिस्तानी डॉक्टर्स की जानिब से और कामयाब ट्रांसप्लांट हुआ है। इस हवाले से हम बात करेंगे, वो बच्चा भी हमारे साथ मौजूद होगा जिसका ट्रांसप्लांट हुआ है और डोनर भी होंगे, उसके फादर भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे और हमारे हेल्थ रिपोर्टर भी होंगे। मेहमानों का तारीफ करवाती ही चलूँ, हमारे साथ मौजूद होंगे प्रोफेसर नासिर बुखारी जो कि जिन्होंने ट्रांसप्लांट किया है, और सजाद काजमी हमारे रिपोर्टर हैं, और वो बच्चा अली हमजा है उनकी बहन है हमारे साथ जिन्होंने डोनेट किया। उनके हवाले से हमें सबको वेलकम करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। सबसे पहले तो सजाद काजमी साहब, हम इस हवाले से, इस केस के हवाले से थोड़ी डिटेल जानना चाहेंगे हमारे देखने वालों के लिए, उसके बाद फर्दर डॉक्टर साहब से बात करते हैं। जी उर्मिला, ये मैं समझता हूँ कि आवाम की बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि पब्लिक सेक्टर के अंदर बोन मैरो ट्रांसप्लांट का आगाज़ हुआ है 2017 में। वैसे तो पहले भी था पाकिस्तान के अंदर, NIBD कराची जो है उसमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्लड डिजीज़, उसके हवाले से तो, उसके अलावा पंजाब के अंदर जो रावलपिंडी में आर्मी का एक है हॉस्पिटल, उसमें भी हो रहा है। लेकिन पब्लिक सेक्टर में जो है वो अभी तक जो है ना बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं था। तो ये तीन किस्म के ऐसे मरीज़ होते हैं जिनके अंदर ये बोन मैरो ट्रांसप्लांट किया जाता है। एक तो कैंसर का पेशेंट होता है जिसके अंदर, दूसरा पेशेंट ऐसा होता है जो जिसको किसी किस्म की खून की कमी, जैसे ये पेशेंट है हमारे यहाँ। तीसरा थैलेसीमिया, जो कि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पाए जा रहे हैं पेशेंट, और उसका कोई हल नहीं है, गवर्नमेंट ने कोई इसका हल नहीं निकाला हुआ। तो 2017 के अंदर सबक गवर्नमेंट ने, मियाँ शबाज शरीफ ने और उसकी गवर्नमेंट ने मिल के काविश करके ये प्लान लगाया। तो मैं समझता हूँ कि ये, जिस तरह मैंने नासिर बुखारी साहब से बात की और इन्होंने बताया कि ये तकरीबन सिर्फ 15 से 20 करोड़ रुपए में ट्रांसप्लांट जो है वो लग चुका है, ये सेंट पूरा जो यूनिट है। तो इससे हैरानगी की बात है कि इनकी मदद से अगर सिर्फ 15 करोड़ रुपए लगे हैं डॉक्टरों की मदद से और इन्होंने इधर उधर से करके कोशिश करके ये किया है, तो मैं समझता हूँ कि अगर ये एक गरीब फलूदे वाले और दुकानदार के जो अकाउंट में 4-4 अरब रुपए निकल रहे हैं, तो 1 अरब से पंजाब के अंदर और पाकिस्तान के अंदर आप देखें कितने यूनिट लग सकते हैं। यूनिट लग सकते हैं। प्रोफेसर साहब आप भी हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा, फैसिलिटीज के हवाले से बात कीजिए क्योंकि ट्रांसप्लांट किया गया है, तो क्या लग रहा है कि कितनी बेहतर फैसिलिटीज आ चुकी हैं पाकिस्तान में कि लोगों को अब ट्रेवल नहीं करना पड़े। लेकिन ट्रांसप्लांट कोई नई शय नहीं है। ये प्रोफेसर ताहिर हुसैन साहब ने कराची में शुरू किया था, हमें भी वही सुपरवाइज कर रहे थे जब हम लोगों ने यहाँ पर शुरू किया, अभी भी करते हैं। उनकी टीम है जो यहाँ पर मौजूद होती है साथ, और पिंडी में ये ट्रांसप्लांट हो रहा है, देखो नया नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर में हम लोग पहले के जो गवर्नमेंट सेक्टर में ट्रांसप्लांट किया जा रहा है। दूसरे नंबर पर जो अहम चीज़ है कि चाहे पिछली गवर्नमेंट हो चाहे मौजूदा गवर्नमेंट हो, इस हेल्थ इशू के ऊपर सब ने मिलकर साथ दिया है। किसी ने इसके साथ पॉलिटिक्स नहीं की या किसी ने इसको सियासी नहीं बनाया, और सब लोगों ने, मीडिया सब लोगों ने इसके साथ दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि अब हम जो ट्रांसप्लांट कर रहे हैं चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, ये पूरे पाकिस्तान का वाहिद सेंटर है जो फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा है। अच्छा, मैं यही पूछने वाली थी, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है तो ये तकरीबन देखिए 15 से 20 लाख तक का खर्चा होता है, और अगर ये प्राइवेट सेंटर में करें किसी सेंटर में तो तकरीबन 30 लाख तक का खर्चा हो जाता है। लेकिन इन लोगों से पूछा जा सकता है कि हम लोग सिंगल पेनी भी इनकी कहीं इन्होंने इस्तेमाल नहीं की। गवर्नमेंट ज़्यादा सपोर्ट करती है, हमारे डोनर्स आ जाते हैं, कुछ लोग हेल्प करते हैं, मगर अल्लाह का शुक्र है कि एक निज़ाम ऐसे चल रहा है और हमें अब तक किसी किस्म की प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। लाहौर में और बाहर से लाहौर को बहुत लोग सपोर्ट करते हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट है। तो अब तक जितने भी ट्रांसप्लांट, डोनर जो बेसिकली होता है वो फैमिली मेम्बर ही होता है जी। असल में पाकिस्तान में रूल्स हैं, क्योंकि अब तक जो हमारा होटा जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांट अथॉरिटी है जिससे हमें लाइसेंस लेना पड़ता है, उनके रूल्स के मुताबिक सिर्फ रिलेटिव ही दे सकता है। दूसरे नंबर पर यह कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट में सबसे ज़्यादा कामयाब रिजल्ट्स भी उन्हीं में हैं जहाँ बहन भाई या माँ बाप अगर मैच कर जाए तो वो डोनेट करें। अगर अनरिलेटेड डोनर हो, यानी कि रिलेटेड नहीं है बाहर से हो, तो ट्रांसप्लांट की कामयाबी के चांस ज़रा कम हो जाते हैं। इसलिए ये हम खुद भी प्रेफर करते हैं कि बहन भाइयों में से कोई दे, या अगर वो ना कर सके तो हम पेरेंट्स में से कोई दे। हाँ, अगर ना हो तो फिर और ऑप्शन से भी सोचनी पड़ती है। ठीक हो गया। अच्छा, आपसे बात करेंगे क्योंकि आपने ही अपने भाई को डोनेट किया, तो क्या आपको आइडिया था कि भाई को तो इतना मेजर इशू है, तो डोनेट करते हुए कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, कुछ डर? जो काम करना है उसमें डरना नहीं चाहिए, पता है जो करना है मैंने वो मैंने करना ही, अल्लाह का शुक्र है। फिर भी वैसे उम्मीद नहीं थी कि हम हमारी फैमिली में से किसी का हो। अच्छा, हम यहाँ तक कहते नहीं थे किसी का भी होगा। चलिए, वाले साहब भी आपके हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अली हमजा से एंड पे बात करूंगी, वाले साहब से बात करेंगे इनके। सर, इसको जब इशू था तो उस वक्त आप लोगों ने डेफिनेटली इलाज के लिए मुख्तलिफ जगहों में गए भी होंगे, सबने आपको ट्रांसप्लांट का ही कहा होगा। जी जी। तो बिल आखिर कहाँ, किस तरह से आप लोग यहाँ तक पहुँचे? और सर, पहले असी नबोल अस्पताल पहुँचे थे। अच्छा, उसने बोला जिसके लिए 70 लाख रुपया चाहिए। 70 लाख? हाँ जी। अच्छा,
हमने बोला जी हमारे पास 70,000 नहीं है, 70 लाख कहाँ से लाए। उसने बोला जी बोन मैरो ट्रांसप्लांट होता है डॉक्टर नासर बुखारी साहब करते हैं, अच्छा। उधर जाएं आप चिल्ड्रन में चले। सही। आप चिल्ड्रन में चले गए, जब आई साहब से मुलाकात हुई आप, इसने बोला जी क्रॉस मैचिंग करवा के लेके आओ। हुआ हमारा हो गया इंशाल्लाह, इनकी दुआएं आपकी दुआएं कि हमारा बच्चा कामयाब होगा, मुझे बच्चा मिलने की नहीं गुजाइश। कब से इसको मसला कब से था दिया? तकरीबन 4-5-6 मास हुआ था। अच्छा जी, ज्यादा मसला। हाँ जी सही। तो किस तरह से आप लोगों को डायग्नोज हुआ कि इसको कोई इस तरह का मेजर इशू है? ऐसे इसका ना हमने क्रॉस टेस्ट करवाया था उधर से, अच्छा अस्पताल से। उसने बोला कि अभी इसको लाहौर ले जाओ। आप कसूर से? हाँ जी, जिला कसूर से। जिला कसूर से, ठीक है। तो वहाँ से फिर आप लाहौर? हाँ लाहौर आ गए। ठीक है। अगर उसने बोला कि नए लाहौर नहीं लेके जाओगे तो बच्चा बचेगा नहीं, बच्चा बच नहीं सकता। वो आपकी मेहरबानी है, इसकी मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है कि मुझे बच्चा रब ने दे दिया। मेरे दो बेटे हैं, तीन बेटियां। तीन बेटियां और ये सबसे छोटे? हाँ जी ये सबसे छोटे। आप क्या काम करते हैं? हम मजदूरी करते हैं। सही सही सही। तो कितनी आमदन है महीने में आपकी? सिर्फ 10-12 हज़ार रुपया। तो उसमें इतना महंगा ट्रीटमेंट कराना कितना मुश्किल है। हमारी गुजाइश नहीं सी, हमारे पास कोई भी शायद नहीं है। जाहिर है। जो किया आपने सर ने किया, सर की मेहरबानी है, अल्लाह की मेहरबानी है जिसने मुझे बेटा दे दिया। जबरदस्त। अली हमजा आपसे भी बात करेंगे, माइक पकड़ेगा। कैसे अब आपकी तबीयत? बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब कितना सही सेटिस्फाई हो, क्योंकि पहले तो आपको बड़ा अच्छा बड़ा मसला रहा होगा, बड़ा ऐसा। किस तरह का मसला, किस तरह की आपकी तबीयत रहती थी जी? थकावट महसूस होती थी। हाँ। और जब ब्लड खत्म हो जाता था, कम हो जाता था। हाँ। तो पीला रंग होने लगा, शुरू हो जाता था। हाँ। पीला कलर होना शुरू हो जाता था। हाँ। तो इसलिए जब टेस्ट कराते थे, तो जब भी टेस्ट कराया उन्होंने कहा लाहौर ले जाओ। जितनी दफा भी टेस्ट हुआ लाहौर, ब्लड लगता रहा मुझे 3 दिन बाद। हाँ 3 दिन बाद, 4 दिन बाद। हाँ। 2 बोतल लगती थी, एक रेड और एक व्हाइट सेल। सही। तो अब ट्रीटमेंट के बाद किस तरह का डिफरेंस आप फील कर रहे हो? जी अब माशाल्लाह बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। अभी 5 माह हो गए नहीं लगा ब्लड। 5 माह हो गए जी नहीं लगा ब्लड। अच्छा डोनर की हम बात करें तो इसकी बहन जो कि डोनर रही है, तो एज भी होती है कुछ स्पेसिफिक जिसमें डोनेट कर सकते हैं? किसी भी एज में? किसी भी एज में किया जा सकता है। ठीक हो गया। किसी भी एज में किया जा सकता है। और ये मैं बड़ा वाजे कर दूं कि ये खुदा ना खास किडनी ट्रांसप्लांट नहीं है, लीवर नहीं है कि हम काट पीट करेंगे या निकालेंगे, खुदा ना खास उसमें गुर्दा रह जाएगा, एक उसमें कर देंगे, ऐसा नहीं है। ये ब्लड की तरह ही होता है। यूं समझे हमने ब्लड का एक हिस्सा निकाला और उसमें दे दिया, इस बच्ची में वापस बन गया और पेशेंट में भी वापस चलना शुरू हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अगर मैचिंग हुई भी हो, प्रॉपर मैचिंग हुई भी हो, तो रिजल्ट बहुत अच्छे होते हैं जिसमें आप देख रहे हैं। अब तक तो जो हम लोगों ने कोई तकरीबन 15 के करीब ट्रांसप्लांट किए, पहले 2 बच्चे अनफॉर्चुनेटली हमारे नहीं सर्वाइव कर सके थे, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है हमारे सारे बिल्कुल ठीक। उनके सर्वाइव ना करने की क्या वजह रही? उसमें सबसे बड़ी वजह थी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन। मैंने कहा कि नॉन कॉम्प्लिकेशन है कि बाज़ोकात बॉडी कबूल ही नहीं करती। जब हम लोग ग्राफ्ट डालते हैं उसके अंदर तो बॉडी उठा के रिजिस्ट करती है, क्योंकि वो समझती है कि बाहर की चीज़ मेरे अंदर आ गई है। हम लोग मेडिसिन दे रहे होते हैं, चीज़ें दे रहे होते हैं, लेकिन अक्सर ये बाज़ोकात कॉम्प्लिकेशन फेस करनी पड़ती है कि ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाते हैं। और अगर ट्रांसप्लांट रिजेक्ट हो जाए तो फिर आप अंदाज़ा कीजिए कि उसकी अपनी बोन मैरो हम खत्म कर चुके हैं, नई वाली ने काम नहीं शुरू किया या किया तो ख़त्म हो गया। अब फिर बच्चे की सर्वाइवल के चांस बहुत मुश्किल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये कितनी देर बाद ग्रोथ करता है? मतलब पेशेंट को आपने उसमें से डोनर से लेके वो ब्लड दे दिया जो भी उसका सैंपल था, तो कितना इसका हिस्सा लेते हैं और वो कितनी देर बाद ग्रोथ करके उसका कंप्लीट अपनी बोन रीड की हड्डी में वो मजबूत हो? ट्रांसप्लांट नहीं, एक दिन का ट्रांसप्लांट नहीं होता बोन मैरो, तकरीबन इसमें 15-20-25 दिन लग जाते हैं। अच्छा, पहली ट्रीटमेंट है। पहली फेज होती है उसके अपनी बोन मैरो को खत्म करना, जिसे हम कंडीशनिंग कहते हैं। हम लोग मेडिसिन दे दे के जो पेशेंट होता है उसके अपनी बोन मैरो खत्म करते हैं, ताकि जब हम नहीं डालें तो जहाँ वो जाके कबूल करें। उसके बाद फिर ट्रांसप्लांट का मरला आ जाता है जहाँ पे हम डोनर से लेते हैं और उसके अंदर डालते हैं, और फिर हम वेट करते हैं। ये यूं ही समझिए कि हम लोगों ने खेत में बीज डाल दिया, हम फसल उगने का वेट करते हैं। सही, और यूजली तकरीबन 2-3 वीक्स लग जाते हैं। अमूमन 2-3 हफ्तों में अब बोन मैरो वर्क करना शुरू कर देती है। हम इस दौरान ये कर रहे होते हैं कि बच्चे को कॉम्प्लिकेशन ना आए, क्योंकि जब हम लोगों ने कोई चीज़ डाली है वो बाहर उसके लिए नहीं है और बॉडी उसे कबूल नहीं कर रही होती, तो हम लोगों को मेडिसिन देनी पड़ती है ताकि बॉडी उसे कबूल करती रह करते हैं हम लोगों का, जो हम इसको साथ साथ मेडिसिन दे रहे होते हैं। साथ एक और चीज जो सबसे अहम होती है, आप देख रहे होंगे कि अभी उन्होंने मास्क पहना है, वो चीजें पहनी हैं। हाँ, मैं एहतियात ही पूछने वाली थी कि किस तरह की एहतियात बाद में भी करनी चाहिए। मैंने कहा ना, यूं समझिए नई फसल है,
ابھی اگر ان کس کے اوپر خدا نہ خاصا انفیکشن ہو جائے, بچہ اس کی کیئر نہ کرے, فیملی کیئر نہ کرے یا ٹیم کیئر نہ کرے, تو ڈر یہ ہوتا ہے کہ انفیکشن کی وجہ سے بون میرو واپس ختم ہو جائے گی. اسی لیے ہم لوگ ان کو احتیاط بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے ہمارے قریب ہی رہنا ہے, جس جگہ پہ رہنا ہے کم از کم کچھ عرصے کے لیے بچہ وہاں پہ اکیلا رہے, صرف ایک دو لوگ جانے والے ہوں, باہر گھومنے پھرنے کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہے. ہاں کچھ عرصے میں ان شاء اللہ اپنے اسکول جا رہے ہوں گے, سب کچھ کر رہے ہوں گے, ابھی بھی بالکل نارمل زندگی ہوگی, مگر جب تک ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ اب وہ فصل مضبوط ہو گئی ہے یا اب کرافٹ جو ہے وہ بالکل مضبوط ہو گیا, اس وقت تک ہمیں احتیاط کی مشورہ. اچھا ڈاکٹر صاحب, اکثر بون میرو کے حوالے سے نا لوگ بڑے خوف زدہ بھی ہوتے ہیں, کیونکہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بچے کا کوئی اس طرح کا معاملہ آ جائے, کیا وجہ ہے کہ اتنی سینسیٹیوٹی ہے اور پھر لوگ اس کے حوالے سے اتنے کانشیس نہیں ہیں؟ دو تین چیزیں ہیں, ایک تو خوف کہ بھائی بچے کو کیا ہو جائے گا, دوسرا کہ ڈونر جو دے رہا ہے وہ تو کم از کم ٹھیک ٹھاک ہے نا, نارمل ہے, ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ اس کو کچھ ہو جائے, ایک کو بچاتے بچاتے کہیں دوسرے کا نقصان نہ کر دیں. تیسرے نمبر پہ جو چیز لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے کہ خدا نہ خواستہ ہم لوگ کر بھی لیتے ہیں, پھر بھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ جناب ریجیکٹ ہو گیا تھا, فائدہ نہیں ہوا تھا, اتنا خرچہ بھی ہو گیا تھا, تو ہمیں کرانے کی کیا ضرورت ہے. اب یہ کانسیپٹ بن گیا ہے جس کو ہم نے چینج کرنا ہے کہ یہ بیماریاں ایسی اس کا تو علاج ہے ہی نہیں, بچے نے بلا کے مر جانا ہے, بچے نے ٹھیک ہونا ہی نہیں ہے, چاہے تھیلیسیمیا والے ہوں, نو ڈاؤٹ تھیلیسیمیا کے بارے میں اگر میں کہوں کہ تھیلیسیمیا کی سب سے بڑی جو ہمیں کرنے کی ضرورت ہے پریونشن, یہ بیماری ہو ہی نہ, لیکن اگر ہو جائے اس کے بعد اب وہ قابل علاج ہے. اب میں یہ صرف یہ کہوں گا کہ اب لوگوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, صرف ہمت کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں ان لوگوں نے ہمت کی, اللہ کا شکر ہے, وسیلے اللہ نکالتا ہے, دستے اللہ نکالتا ہے. ڈاکٹر صاحب اس وقت جو مریضوں کی تعداد کتنی ہے اور آپ سال میں کتنے ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں, کتنے پیشنٹ آپ سے بچیں گے اور کیا صورتحال ہے اس کا, مزید کتنے ہمیں ایسے سینٹر چاہیے جہاں ٹرانسپلانٹ ہو, تو اور آلریڈی جتنے کتنے کام کر رہے ہیں, کچھ آئیڈیا؟ جی میں بتاؤں, اس ٹائم تو ہمارے تین سینٹر پورے پاکستان میں مینلی کام کر رہے ہیں, باقی چھوٹے لیول پہ کر رہے ہیں, آغا خان کبھی کبھی کرتے ہیں, این آئی بی ڈی کراچی جو میں نے جو بتایا جو ہمیں بھی سپروائز کرتے ہیں, دوسرے نمبر پہ اب نیشنل ہاسپٹل لاہور نے بھی شروع کیا, ساتھ پنڈی میں جو آرمی کا سینٹر بڑا سینٹر ہے وہ کر رہے ہیں, جو یہاں پر ڈاکٹر تسنیم اور میڈم دلنشی جو ہمارے پاس بھی ساتھ یہاں پہ آتے ہیں چلڈرن ہاسپٹل میں بھی, تو اس ٹائم یہ تین چار سینٹر ہیں. یوں سمجھ لیں کہ اگر ہم لوگ پورے سال میں بھی کہیں تو میکسیمم ہم لوگ پورے پاکستان میں ملا کے 200 ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب وہ تو امیر آدمی کے لیے, غریب آدمی کے لیے تو ایک آپ کا ہی سہارا ہے. جی جی میں نے بتایا نا کہ وہ جتنے باقی سینٹرز ہیں وہ سارے پیمنٹ پہ فیس صرف ہمارا, اور ہم لوگ ایک سال میں 20-30 سے زیادہ نہیں کر سکتے, 20-30 سے زیادہ نہیں کر سکتے. اور جو ہم پورے پاکستان کی اگر بات کریں تو تقریباً کوئی 1 لاکھ کے قریب مریض ہیں جن کو ضرورت ہے, ضرورت ہے ابھی پیشنٹس کا. اب آپ اندازہ کیجئے کہ اگر اتنی ضرورت ہے اور ہم لوگ 30-40 کر رہے ہیں تو ہم لوگ آٹے میں نمک کے برابر ہیں, لیکن جو اچھی بات ہے وہ یہ شروعات کا مسئلہ ہے. ایٹ لیسٹ آپ یہ دیکھیں نا کہ یہ ایک مزدور پیشہ انسان ہے کہ یہ 70-80 لاکھ روپے لگا کے ایک ٹرانسپلانٹ کیسے کرائے گا جس نے اپنا بچہ بھی بچانا ہے, تو ڈیفینیٹلی اسٹیٹ پہ آپ لوگ اگر فری کریں تو بہت سارے تو پیمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں. جی بہت, باقی تو سارے پیمنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں, اور میں بتا رہا ہوں پیمنٹس کس کے پاس اتنا پیسے, بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس اتنا افورڈ کر سکتے ہیں, بہت کم ہے, اور اسی لیے اکثر وہ بچے ایکسپائر ہو جاتے ہیں, وہ بس زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا. اب گورنمنٹ نے شروع کیا کہ بھاولپور میں بھی, ملتان میں بھی, لیکن ابھی وہ ابتدائی مراحل میں ہیں, اور اب ضرورت ہے. جیسے ضلع قصور سے آئے ہیں, ابھی ضلع قصور بہت زیادہ بیکورڈ نہیں ہے, لیکن بہت سارے ایسے بیکورڈ ایریاز بھی ہیں جہاں سے بھی پیشنٹ کا فلڈ ہوتا ہے. میں بتاؤں کہ اب تک جو ہم لوگوں نے ٹرانسپلانٹ کی ہیں سب سے بڑی تعداد جنوبی پنجاب کی تھی, جنوبی پنجاب, اور اس تمام ان ایریاز کی تھی جہاں پہ شاید غربت و بیماریاں بہت زیادہ ہیں. اسی لیے بہت ضرورت ہے کہ جنوبی پنجاب میں ان چیزوں میں ان کے سینٹرز کو شروع کیا جائے اور وہاں پہ کیا جائے. ہم لوگوں نے تو کہا تھا کہ جب ہم چلڈرن ہاسپٹل میں شروع کر رہے ہیں, اب ہماری ٹیم اللہ کا شکر ہے میچور ہو رہی ہے, جو ہم لوگوں کے پروفیسر تاج شمسی جو ہماری کراچی کی ٹیم ڈاکٹر تسنیم اور ڈاکٹر کی ٹریننگ کے حوالے سے میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ اب اللہ کا شکر ہے کہ ان کی گائیڈنس میں اب ٹیم بہتر ہو گئی ہے, اب ہم اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ ہم لوگ ان کے ساتھ مل کر باقی سینٹرز کو بھی چلا سکتے ہیں, ہم انہیں گائیڈ کم از کم کر سکتے ہیں, ان کی ٹیمز کو یہاں بلا کے ٹرین کر سکتے ہیں, تو بس ایک سرکل شروع ہونا ہوتا ہے. اب مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ جس طرح پچھلی گورنمنٹ بھی کرتی تھی, میں نے کہا نا ہیلتھ کے ایشوز پہ ہم کو سارے ایک ہی فورم, ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ یہ بھی کر رہے ہیں, بالکل ہم سپورٹ کر رہے ہیں سارے, اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر یہ اسی رفتار سے چلتے رہیں اور نیک نیتی کے ساتھ, تو شاید ود ان 1 ایئر ہم کو بڑے 2 سینٹر بنانے میں کامیاب ہو سکیں گے. زبردست زبردست زبردست. تو ابھی ہم آپ سے جانے اکرا, تو آپ کو تو ایسا کوئی میجر ایشو نہیں آیا, کوئی پرابلم آپ کی صحت کے حوالے سے؟ یو آر سیٹسفائیڈ؟ بالکل بھی کچھ بھی نہیں, بالکل بھی نہیں, بالکل ٹھیک ہو, بالکل. چلو شکر اللہ کا. کوئی میسج دینا چاہیں گے آپ کے والد صاحب ہمارے فورم سے دیکھنے والوں کو؟ سر میری تو گزارش ہے کہ میں آپ سے منت کرتا ہوں کہ میں بہت غریب ہوں, آپ نے بہت مجھے آسان کیا, مجھ سے آپ کی مہربانی کہ آپ نے مجھے بچہ دے دی. بس آپ اللہ پاک تو خوش رکھے, اللہ پاک تو آباد رکھے, اللہ تو حج کرا دے, بس
بہت شکریہ آپ سب کا, اور علی حمزہ اللہ میں آپ کو لمبی زندگی دے, آپ ہمیشہ اسی طرح سے خوش رہے, ہیلدی رہے, اور آپ کو بھی ڈاکٹر صاحب ڈیفینیٹلی دعائیں اتنی زیادہ آپ سمیٹتے ہیں. یہ پوری قوم کی, دیکھیں قوم کا پیسہ ہے, قوم کی چیزیں ہیں, سب کچھ وہیں سے آیا ہوا ہے, یہ آپ سب لوگوں کی, بلکہ ان کو پتا ہے کہ آدمی صاحب کو بھی پتا ہے, سارے سپورٹ کرتے رہتے ہیں. ڈیفینیٹلی شروع میں جب ہم لوگوں کی دو ناکامیاں ہوئیں تو ہمیں لگا کہ سب کچھ ختم ہو گیا ہے, لیکن سب نے سپورٹ کیا. آپ پوچھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہمت نہیں ہاری, ہمت نہیں ہاری, اور اللہ کا شکر ہے اب سر کی کامیابی کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ, آپ سب کا بہت شکریہ جناب. ابھی ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے, اور بھی مہمانوں سے آپ کو ملوائیں گے. آپ دیکھتے رہیے جاگو لاہور.